होगी बातों की बरसात, गूंजेगी गीतों की सौगात, साथ साथ हैं हम और आप। स्वीकार कीजिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। तो आवाज की दुनिया के दोस्तों, देर किस बात की, अब पूरी करते हैं आपकी ख्वाहिश, क्योंकि शुरू हो चुका है प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो हेलो फरमाइश, हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार जी, हम जुलाईपुर सगुर के भट्टा में से बोल रहे हैं। आपका नाम बताइए। अल्ताफुर रहमान। अल्ताफुर रहमान, क्या करते हैं जी? साड़ी का कारोबार। कारोबार बढ़िया चल रहा है? हाँ चल रहा है, इसमें गर्मी का काम नहीं चल रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक हो जाएगा। धूप बहुत तेज है। हाँ, धूप तेज है तो काम करने में थोड़ी बहुत परेशानी होती रहती है। हाँ, जो तपन होती है ना। हाँ, तपन से बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, तो अभी थोड़े दिन की बात है, फिर तो धीरे धीरे बारिश का मौसम आ जाएगा तो मौसम अच्छा लगने लगेगा, है ना? तापमान ज्यादा है। हाँ, तापमान देखिए, गर्मी है तो गर्मी का मौसम तो अपना तापमान है वो रंग दिखाएगा ही। हाँ, तो हम लोगों को उसी के साथ चलना पड़ेगा जी। क्या सुनेंगे? हमें गाना सुनना है। कौन सा? आर आर ओ गाना नहीं है, जिंदगी महक जाती है। फिल्म का नाम याद नहीं है, गोविंदा का गाना है। हत्या फिल्म का ये गीत है, इंदीवर इसके गीतकार हैं, बपी लाहिरी संगीतकार हैं, लता मंगेशकर और येसुदास ने इस गीत को गाया है। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। नमस्कार। जिंदगी महक जाती है, हर नजर बहक जाती है, ना जाने किस बगिया का फूल है तू मेरे प्यारे। आरारो 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 आरारो, जिंदगी महक जाती है, हर नजर बहक जाती है, ना जाने किस बगिया का फूल है तू मेरे प्यारे। आरारो 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 आरारो, तुझे पास पाके मुझको याद आया कोई अपना, मेरी आंखों में बसा था तेरे जैसा कोई सपना। तुझे पास पाके मुझको याद आया कोई अपना, मेरी आंखों में बसा था तेरे जैसा कोई सपना। मेरे अंधियारे मन में चमकाए तूने तारे। आरारो 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 आरारो, we'll be right back।
हेलो हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर जी, मैं तकिया मड़िया हूँ जिला जौनपुर से, मैं जमील अहमद शाह बोल रहा हूँ। हाँ जमील भाई, क्या हालचाल है? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, बस यही गर्मी थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है सर। हाँ तो आप तो जानते हैं मई का महीना है, तो गर्मी का महीना है तो गर्मी पड़नी ही चाहिए। बिल्कुल इधर इधर अगर हिंदी महीना देखिए तो जेठ का महीना है, तो जेठ की दोपहर ही तो तपती दोपहर ही होती है। बिल्कुल सर, इसमें तो बहुत से बख्या भी हुए हैं, बहुत से गीत भी बने हुए हैं। हाँ। बहुत से कविता भी लिखा गया है। जी 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 बिल्कुल। ये सब महीने ऐसे हैं, जैसे फागुन का महीना है उसमें भी खूब मस्ती होती है, उस पर भी खूब सारी कविताएं गीत। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो क्या चल रहा है जमील भाई? बस सर काम धंधा हो रहा है, और आपका प्रोग्राम भी सुना जा रहा है सर। हाँ तो आपके प्रोग्राम सुनने के बाद आपकी प्रतिक्रियाओं की हमें प्रतीक्षा रहती है। पत्र के लिए धन्यवाद। में तो कभी आपका पत्र आता ही नहीं है, ईमेल आता ही नहीं है। नहीं नहीं आएगा सर, अब प्रोग्राम थोड़ा से हम लोग बिजी थे अभी, थोड़ा से अब खाली हो गए हैं। जी जी, प्रक्रिया जो चलती रहेगी अब हम लोग विस्तार से कार्यक्रम सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों जैसे जो पुराने श्रोता है उनके भी विचार हमको मिलने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना। जमील भाई आज क्या सुनना है आपको? लाइन बोलना था सर, हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, दीवार तो मिलती है बुनियाद नहीं मिलती, माँ तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी, हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। क्या बात है, क्या बात है। जी सर, तो एक गाना आप सुनना है सर। जी जी जी, बताइए कौन सा गाना है। जी, फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में। जी, और आवाज लता जी की है, और गाने को बोल थोड़ा से गुनगुना दो सर। एकदम एकदम। तू जो मिला सारी दुनिया मिली, इंदिवर के बोल हैं। गुनगुना ही दे रहा हूँ सर। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली। जी जी सर, क्या बात है। तो आपके लिए भेज देते हैं आपकी पसंद का यही वाला गीत, सुनिए। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारे बगिया खिली।
हेलो हेलो, फोन इन फरमाइश। नमस्कार, प्रणाम गुरु जी। हाँ नमस्कार, अनिल कुमार गुप्ता गोंड, पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज टू। वाह क्या बात है, क्या हालचाल है अनिल जी? सब ऊपर वाले की कृपा, आप लोगों की दुआएं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। तो सब ऐसे ही कृपा सब पर बनी रहे, हम लोग तो यही कामना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति में है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। जी जी, और सभी के लिए हम लोग सकारात्मकता लिए हुए एकदम खुशी की कामना करते हैं, सब लोग प्रसन्न रहे एकदम एकदम। और प्रसन्न और खुशी का मतलब होता है कि हर तरीके से दुख तकलीफ कोई ना हो एकदम। मैं तो सोचता था कि एक कमेंट्री के रूप में हेलो फरमाइश में बोलूंगा। जी जी, जैसे एक थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं कि काशी वाराणसी के मैदान पर हेलो फरमाइश की पिच पर वाह हमारे गुरुजी गुगली फेंकने वाले हैं गेंदबाज के रूप में और उनकी प्यारी गुगली को बड़े प्यार से अनिल कुमार गुप्ता ने डिफेंस कर लिया है। वाह क्या बात है, क्या बात है। मैं सोच रहा था कि कमेंट्री के रूप में बोलूंगा, बाकी अब इस समय जो है जी इतना ही काफी है, आगे और प्रैक्टिस करना चाहूंगा। जरूर जरूर जरूर, नया रूप हो हमेशा। ये तो बातें होती रहती है कि आप क्या करते हैं अपने बारे में बताइए, कुछ वातावरण एटमोस्फियर अपने आसपास की जगहों के बारे में। जी जी जी, तो ये तो अक्सर बहुत लोगों से चर्चा हम लोगों की हो जाती है। जी जी जी, बाकी थोड़ा कुछ नया रूप मैं चाहता हूँ, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो तो थोड़ा बहुत, जैसे घर में भी आदमी परिवर्तित करता रहता है, कभी सोफा इधर लगा देना, कभी गमला इधर रख देना। एकदम एकदम, तो वो बदला तो हुआ रूप भी अच्छा लगता है। जी जी, तो थोड़ा टेस्ट जो है एकदम देखने के भाव बदल जाते हैं। एकदम एकदम, अच्छा लगा आपसे बात करके, नया अंदाज आपका सुनने को मिला। तो आज आप लोग कौन सा गाना सुनना चाहेंगे बताइए? दोनों आदमी का नाम आपने ले लिया तो अभिमान याद आ गया मुझे। अच्छा, अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी, एचडी बर्मन का संगीत है और लिखा कौन सा, तेरी बिंदिया रे। लता मंगेशकर, रफी साहब हैं, मजरूह सुल्तानपुरी गीतकार हैं, इसके संगीतकार सचिन देव बर्मन हैं। यही गाना सुना दीजिए। और पहले हम लोग हमने बोल दिया, सोचा था कि दोनों ही आदमी मिलकर बातचीत करेंगे आप, तो उनका जो है जी आप प्रणाम जरा स्वीकार कर लीजिए, इनका लीजिए, इनका प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। हेलो, हाँ नमस्ते। प्रणाम सर। नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं? बहुत अच्छे हैं, आपका आशीर्वाद है। अरे चलिए, बहुत ईश्वर ईश्वर की कृपा बनी रहे इसी तरह, ठीक है, हम लोग अच्छे हैं। सर जी सर, और आपकी पसंद का गाना है तेरी बिंदिया रे, तो हम पहुंचा देते हैं, ठीक है जी सर। नमस्कार जी सर, प्रणाम प्रणाम सर। तेरी बिंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे, सजन बिंदिया लगे है यूं जैसे चंदा तारा, जिया में चमके कभी कभी तो जैसे कोई अंगारा, तेरे माथे लगे है यूं झुमकारे, चैन लेने
कंगना रे, आए हाय मेरा कंगना रे, बोले रे अब तो छूटे ना तेरा अंगना रे, आए हाय तेरा जनिया। जब से मेरी बन के ठुमक ठुमक चले है, जब तू मेरी नस नस खन के, तू आई है सजनिया। हेलो हेलो, हाँ नमस्ते सर। नमस्ते, फोन इन फरमाइश। हाँ पांडुरंग सर नमस्ते। नमस्ते, हम सर पारस यादव बोलते हैं, ग्राम बहादुरपुर पोस्ट पड़ाव जलीलपुर थाना मुगलसरा जिला चंदौली सर। अच्छा भैया, का हाल चाल बा? ठीक बा भैया, अपन बसावल जा। बस बढ़िया हो, और गर्मी तो चकाचक पड़ रहा हो। हाँ भैया, गर्मी तो चकाचक एकदम पड़े लगल की अब पूछे के का बा। हाँ तो बच बचा के रहा? हाँ भैया, बच बचा के रही के बाद शाम सुबह निकले के काम हो, कोई भी काम रहे तो शाम सुबह निकले। एकदम एकदम, कभी गंगा किनारे जाला कि नहीं? हाँ भैया, गंगा जी के किनारे हमारे घर बा, वही किनारे पर गंगा जी के शंकर भगवान का मंदिर बा, काली जी का मंदिर बा, के पपड़ी का पेड़ बा, भी पीपल का पपड़िया का पेड़ बा, तो बड़ा छाया रहे। का बात हो, का बात हो। तो सवेरे सवेरे तो गंगा जी या संझा के एकदम जब सूर्यास्त हो जाला, उसके बाद गंगा किनारे बहुत आनंद आवला। हाँ भैया, आनंद आवला, मत हमारे घर से मुश्किल से 2 मिनट में हम गंगा जी पहुँच जाएगा। अच्छा, इस समय गंगा जी का पानी कितना हो? पानी इस समय तो जून के महीना में अब घसके लगल, रेता पड़े लगल है। अब उकरे पहलवा तो नहीं घसका तले, लेकिन अब ये पनिया घसके लगल है। मई तक जो घसके कोई पानी घसके, फिर जून में तो फिर कहीं ना कहीं बारिश हुई तो फिर गंगा जी में। हाँ बढ़िया, वो कहल जाना ना कि गंगा दशहरा बीतले के बाद गंगा में बढ़ाव शुरू हो जाला। हाँ हाँ हाँ, है ना। चला भैया, ऐसे ही गंगा किनारे आनंद ला, और गंगा तो देखा ऐसा नहीं कि मोक्षदायिनी है। जी जी, है ना। अच्छा लगल आप रोज गंगा जी का दर्शन करते हुआ, आनंद लेते हुआ, तो आपके गाना सुनवा दे, कौन गाना हो बतावा भैया? भौजी के पसंद का फरमाइश हम बतौले हैं, गाना हम बतावत है। हाँ, हाँ हाँ बतावा। गंगा जैसन भौजी हमारे देवर जी, तू तो लक्ष्मण के अवतार। हाँ, यह भौजी के गाना का फरमाइश, अगले बार आपसे बात भलल तो भौजी बात करे कनी, तो बात ना कनी भाग गई तो एदो पारी कली है, बात करे के कनी नहीं हम बात न करब, हमारे गाना फरमाइश कह दिया। भौजी बैठल है। अच्छा, चंद्राणी मुखर्जी और उदित नारायण के गौले हुवन। जी जी, ठीक हो। समीर गीतकार हुवन और चित्रगुप्त संगीतकार। हाँ, मुस्कियात भी ना चुका, गाना फरमाइश कह दे। चला भैया, ऐसा बतियाओ में लजानी ना बतियोगी। चला ऐसा न हो कि मुस्कुराहट बनी रहे, हो ना। यही हम भगवान से प्रार्थना करब, आनंद लेत रहा, और आपके सुनवा दे थी गंगा जैसन भौजी हमार कई वाला गाना। सुना भौजी का नाम नहीं बताई बा? विभा यादव। चला ठीक हो भैया, पहुँचा देते गाना। ठीक हो, नमस्ते। ठीक है, नमस्ते भैया। भौजी ये भौजी, गंगा जैसन भौजी हमार, गंगा जैसन भौजी हमार। देवर जी तू तो लक्ष्मण के अवतार, देवर जी तू तो लक्ष्मण के अवतार। गंगा जैसन भौजी हमार हो, गंगा जैसन भौजी हमार। We'll be right back.
न जन ली जन में से सब कुछ तोहरा के मन ली ओ माई के न देख ली माई के न जन ली जन में से सब कुछ तोहरा के मन ली तू ही भौजाई तू हमार माई तू ही भौजाई तू हमार माई तोहरा से पौली सब प्यार दुलार गंगा जैसन भौजी हमार गंगा जैसन भौजी हमार सेवर जी तू था लक्ष्मण जी अवतार गंगा जैसन भौजी हमार हेलो जी सर नमस्कार नमस्कार फोन इन फरमाइश जी सर मैं विमल बात कर रहा हूँ ग्रामबा पोस्ट बक्सीना डिस्ट्रिक्ट बदायूं तहसील दातागंज से। हाँ विमल जी सर सबसे पहले आपका हाल जानना चाहते हैं आप कैसे हैं और मौसम कैसा है। मौसम गर्म है हाल मस्त है आपका हाल कैसा है। जी सर हम सभी लोग अभी स्वस्थ हैं और हमारे घर परिवार में भी सभी लोग अच्छे से और ताकि अन्य सुनने वाले श्रोताओं से भी यही कहना चाहेंगे इस समय थोड़ा सा गर्म हवाएं चल रही हैं लू चल रही है तो इसमें थोड़ा सा हमारे श्रोतागण भी अपना ध्यान रखें विशेष पानी को लगातार पीते रहें और पानी के साथ साथ पानी को बर्बाद ना करें। एकदम एकदम बहुत अच्छा संदेश आपका है पानी बर्बाद नहीं करना है क्योंकि पानी बहुत ही अनमोल है। ठीक है सर बिल्कुल सर एक बार मैं राजस्थान गया
था जी। तो वहाँ मैंने देखा कि अपने यहाँ तो बहुत ठंडा पानी निकलता है, शीतल जब निकालते हैं नल वगैरह से, या मतलब समरसेबल जो भी है सुविधा, और वहाँ पे मैंने देखा था जब राजस्थान गए तो वहाँ जो तुरंत का पानी था वो भी सर गर्म ही निकल रहा था जी जी। तब देखिए ऐसा है, आपने उसका अनुभव लिया है तो भाई सब लोग पानी के बारे में जरूर सोचिए, पानी कम से कम जरूरत भर ही इस्तेमाल कीजिए, पानी बर्बाद न हो इसका पूरा ध्यान दीजिए, ठीक है। अब बताइए आपको कौन सा गाना सुनवाएं विमल जी? फिल्म का नाम है सर आई मिलन की रात। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ तो हुआ, ये जो प्यार में होता है एतबार में होता है, तेरे साथ भी वही तो हुआ। मत रो, ये शायद नदीम सिरवन जी की आवाज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में है सर? नहीं, ये अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और समीर इसके गीतकार हैं, आनंद मिलिंद संगीतकार हैं, ठीक है। और सर ये फिल्म भी जहाँ तक रहा बहुत ही अच्छी फिल्म देखी थी मैंने, अच्छी लगी फिल्म भी, और आज भी इसके गाने सुपर डुपर हिट हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का यही वाला गाना, सुनिए। नमस्कार। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ, मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ, वो जो प्यार में होता है एतबार में होता है, तेरे साथ भी है यार मेरे वही तो हुआ। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ, मत रो कटे या दुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा। सुख में कटे या दुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा। अमृत हो आंसू के जहर, टूटा तो टूटे क्या हुआ है दिल, साथ एक छोटा तो छूटे क्या हुआ है दिल, वो जो प्यार में होता है एतबार में होता है, तेरे साथ भी है यार मेरे वही तो हुआ। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ।
जब हो जा हुआ सो हुआ। हेलो, आदरणीय महोदय को शादर सप्तम प्यार भाई नमस्कार। हाँ नमस्कार, हेलो फोन इन फरमाइश में आपने कॉल लगाई है, कौन बोल रहे हैं बताइए। महोदय मैं आपका ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी गोवर्धन रोड मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ। अरे वाह क्या बात है, आपकी हिंदी तो बड़ी अच्छी है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और अपने बच्चों के साथ में यहाँ पर निवास कर रहा हूँ। महोदय मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं गाँव दोदापुर पोस्ट उमरी थाना सराय नायक प्रयागराज का निवासी हूँ। अच्छा, मथुरा में क्या करते हैं आप फिर? महोदय मैं बच्चों के साथ में घर पे रहता हूँ और आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते रहता हूँ। और आप जैसे उद्घोषकों से मैं वार्तालाप करके मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है जी। और मेरा जब जब कॉल लगती है आप लोगों से वार्तालाप होती है मेरा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। क्या और जब मेरी पसंद के गीत बजते हैं तब तो कहने ही का है, हृदय तो गदगद हो जाता है, मन झूमने लगता है प्रसन्नता से। महोदय मेरे दोनों बच्चे सीनियर इंजीनियर हैं और फॉरेन में पोस्टेड हैं। वाह, तो आप सेवानिवृत्त होकर जीवन का आनंद ले रहे हैं। मैं सेवानिवृत्त, मैं भी क्लास वन गजेटेड ऑफिसर। क्या बात था है। जी जी, स्टेट गवर्नमेंट में। वी वी। और सेवानिवृत्त होने के पश्चात मैं अपना पूरा समय रेडियो आकाशवाणी को देता हूं और आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते रहता हूं। और भगवान कृष्ण की नगरी में आप रह रहे हैं तो उसका एक आनंद अलग ही है। ये प्रयागराज त्रिवेणी भी मेरी जन्मभूमि है और मथुरा में निवास कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण की अवतार स्थली है और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जहाँ ऐसे स्थानों में मुझे जन्म मिला और रहने का मौका मिला। क्या बात, प्राप्त हुआ। क्या बात है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका जीवन इसी तरह खुशियों से भरा हो। अब आपकी पसंद का गाना सुनवाना चाहते हैं, कौन सा गाना है बताइए। महोदय मैं आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरी कॉल जो लगी हुई है बनारस यानी वाराणसी, काशी विश्वनाथ भगवान देवों के देव महादेव की नगरी है, इसलिए फिल्म का नाम है बनारस। गायिका है सिया घोषाल जी और बाबा भोलेनाथ का एक भक्त गीत है ओम नमः शिवाय। ठीक है, आपको हम सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत, खूब सारा धन्यवाद देते हुए। ठीक है, आपको हृदय से धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।
कलश मिलाऊं, नव ज्योति के दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं। हेलो हेलो नमस्कार सर। नमस्कार, फोन इन फरमाइश। हम राकेश सिंह भैया मेजा प्रयागराज से बोल रहे हैं। हाँ राकेश जी, चार पांच बार आपसे वही कर रहे हैं। पहले तो आपसे बात हुई है, कैसा चल रहा है आपका? बढ़िया चल रहा है इस समय सर जी। आपके काम इस समय गर्मी में ठीक ठाक चल रहे हैं? जी सर अच्छा चल रहा है, लेकिन थोड़ा तबीयत खराब हो जा रहा है इस समय। हाँ गर्मी है ना, तो थोड़ा बच बचा के रहिए, ठीक है। शाम को सर आपका प्रोग्राम सुनाई क्यों नहीं देता, आवाज बहुत कम हो जाता है वहाँ से। आप रेडियो पर सुनते हैं या? रेडियो पे सुनते हैं। हाँ सर जी, एक और कह रहे हैं कि अभी 91 रेडियो चैनल भी भारती चालू हुआ था जी, तो सर वो कार्यक्रम हम लोग सुनने का नहीं मिलता, तो कहाँ उस चैनल जाता है? तो वो तो जहाँ जहाँ उसके स्टेशन खुले हैं तो उसी थोड़े से एरिया में सुनाई पड़ने वाला है, वो उसी के आसपास सराउंडिंग। मतलब जैसे प्रयागराज है, बनारस है? नहीं तो यहाँ तो पहले से यहाँ तो पहले से ही है, और जितने कार्यक्रम हम रिले करते हैं उतने आपको सुनाई पड़ते हैं। बीच में अगर एफएम सुनने का मिलता तो बढ़िया रहता है। हाँ तो वो तो छोटे छोटे शहरों के लिए है।
ठीक है सर, हमको एक गाना सुना दीजिए, जानी दुश्मन का, चलो डोली उठाओ या कहाँ रहे, ऐसे गाना है सर। अच्छा अच्छा, जानी दुश्मन पुरानी वाली, ठीक है, बहुत बढ़िया गाना है। जी जी जी, पुरानी वाली जानी दुश्मन चल रहा है, चलो रे डोली उठाओ कहार, मोहम्मद रफी की आवाज है, इस समय बजता नहीं है। चलिए आपको हम सुनवा देते हैं, वर्मा मलिक का गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आपकी पसंद है जानी दुश्मन का ये गीत, सुनिए। नमस्कार। चलो रे डोली उठाओ कहार पिया, मिलन की रुत आई, हो चलो रे डोली उठाओ कहार पिया, मिलन की रुत आई, परवान चढ़ी, दिन है दुसहरा रात दिवाली, गले डाल बाहों का हार कहार पिया, मिलन की रुत आई, चलो रे डोली उठाओ कहार पिया, मिलन की के मन तेरी नगरिया, उड़ जाऊं मैं बन के बदरिया, चांद नगर को चली चकोरी, प्यासी हूं मिलन की संवरिया, मेरे सपने सजाओ कहार पिया, मिलन की रुत आई, चलो रे डोली उठाओ कहार पिया, मिलन की रुत आई।
सोनी पड़ी भैया की हवेली, व्याकुल बहना रह गई अकेली। जिन संग नाची जिन संग खेली, छूट गई वो सखी सहेली। अब न देरी लगा कहा पिया मिलन की रुत आई, चलो रे डोली उठाओ कहा पिया मिलन की रुत आई, पिया मिलन की रुत आई, पिया मिलन की रुत आई। हेलो हेलो, फोन इन फरमाइश। नमस्कार। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, कौन? सर हमको बहुत खुशी हो रही है, आज मेरा दूसरी बार फोन लगाए सर, मेरा मतलब दो तीन साल बाद फोन लगाए। अच्छा, कौन बोल रहे हैं आप? सर मनोज कुमार यादव बोल रहे हैं, पांडेपुर वाराणसी। पांडेपुर से, अच्छी बात है। तो मनोज जी आप करते क्या हैं? सर आप कौन बोल रहे हैं? पांडुरंग पुराणिक बोल रहा हूँ। थैंक यू सर आपका, हम कार्यक्रम में हमेशा सुनते हैं। जी जी, तो अच्छे लगते हैं कार्यक्रम आपको? जी सर, आपका पूरा कार्यक्रम सुनते हैं, आप जब आते हैं तब आरोग्य कार्यक्रम में सुनते हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? सर हम पढ़ाई किए हैं, दुकान पे रहते हैं भैया के साथ अपने। अच्छा, सर हम हाई स्कूल तक पढ़े हैं। अच्छा, उसके बाद आप अपने काम में लग गए? हाँ सर, उसके बाद मतलब कि घर में थोड़ा दिक्कत हो गया। जी जी, मेरी मम्मी है, मेरा भाई है बस। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। माता जी मेरी अकेली हैं, इसलिए थोड़ा हेल्प करना पड़ता है, घर में भी हाथ बटाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करना ही चाहिए, है कि नहीं? और माता माता पिता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जी सर, मतलब कि मम्मी मतलब कि बुजुर्ग हैं तो उनका हेल्प कर देते हैं, हाथ बटा देते हैं, बर्तन धो देते हैं, घर साफ सफाई कर देते हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और दुकान पर भी रहते हैं, है ना? भैया के साथ दुकान पर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, खूब अच्छा लगा आपसे बात करके। कौन सा गाना सुनेंगे बताइए? सर हमें ना मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। मौसम की तरह तुम भी, जानवर फिल्म का ये गीत है, अलका याग्निक और मनहर उदास ने इसको गाया है, समीर गीतकार हैं और आनंद मिलिंद संगीतकार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कार्यक्रम हमेशा सुनते हैं, फोन ही नहीं लगता है सर। आज सब पूरा काम छोड़ के पहले मैं आपको फोन किए। ठीक है, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। नमस्कार। नमस्ते। दुनिया की तरह, रस्मों की तरह, वादों की तरह, कसमों की तरह, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। दुनिया बदलती है, मौसम बदलते हैं, लेकिन मेरे दिल को बदल नहीं पाओगे। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। कसम मुझको है तेरे सर की कसम, नजरें बदलती है, सपने बदलते हैं, लेकिन मेरी धड़कन को तुम जा...
हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम का ये भाग आज आप सुन रहे थे अपने ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक के साथ। इस कार्यक्रम में यदि आप अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहें तो हमें फोन कीजिए प्रत्येक बुधवार को सुबह 10:30 से। हमारा फोन नंबर है 2221022210522। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542। और अब अगले कार्यक्रम तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मैं तुम्हें